फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं अदानी विलमा लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे अदानी पावर की। अदानी विलमा लिमिटेड में क्या आने वाले समय में ऐसी ही तेज़ी जारी रहने वाली है या फिर वापस गिरावट का दौर आने वाला है, क्योंकि फ्राइडे के दिन यहाँ पे अपर सर्किट नहीं लगा तो क्या लोअर सर्किट लगने वाला है। बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, एक्सपर्ट की क्या राय निकल के आ रही है अदानी विलमा को लेकर उसको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कितना मजबूत है अदानी विलमा लिमिटेड। इसके पिछले कारोबार और इसके प्रदर्शन को देखेंगे, इनके रिजल्ट को देखेंगे, साथ में आगे की परफॉर्मेंस देखेंगे, क्या संभावना बन रही है, क्या ये लॉन्ग टर्म में रखने के लिए इस समय सही है या फिर इस समय प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म नजरिया और लॉन्ग टर्म नजरिया क्या होगा, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। दूसरी तरफ अदानी पावर लिमिटेड बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता हुआ अपने नए टारगेट की तरफ पहुंच रहा है। इसके पीछे वजह है MFI की लिस्ट में और MSCI की लिस्ट में शामिल होना। तो यहाँ पे स्टॉक बहुत मजबूत है और आने वाले समय में कुछ कमाल करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो क्या इस समय हमें अदानी पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, बहुत सारी बातें जिनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी विलमा लिमिटेड की बात कर लेते तो स्टॉक करीब 709 पर क्लोजिंग दिए, जहाँ पे 1.64% की हमें तेजी देखने को मिली। बड़ी बात यह है कि जिस प्राइस पे शुरुआत हुई थी उसी प्राइस पे क्लोजिंग, यानी 709 पे ही शुरुआत की थी स्टॉक की फ्राइडे के दिन और इसकी क्लोजिंग भी वही रही है। लेकिन दिन भर में अपडाउन रहा, काफ़ी लो इसका 676 का बना और हाई इसका 729 का बना। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 29 अप्रैल को ये 780 के आसपास था, फिर स्टॉक नीचे आया काफ़ी, 568 के आसपास आया 13 मई को, फिर स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया। अब ये स्टॉक लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग के मोड में आ चुका है और इसके पीछे वजह यह है कि ASM की लिस्ट में शामिल है, स्टेज 4 में है और इस वजह से यहाँ पे वॉल्यूम भी काफ़ी कम हो चुका है। तो यहाँ पे तो लोअर सर्किट लग सकता है या अपर सर्किट लग सकता है, नॉर्मल ट्रेडिंग की संभावना बहुत कम हो जाती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका पिछले एक महीने पहले इसका 69 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, वन वीक पहले 32 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता और थर्सडे को 28 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता, फ्राइडे को 37 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता, काफ़ी कम वॉल्यूम हो रहा है। और इसके पीछे वजह यही है कि इंट्राडे ट्रेडिंग यहाँ पे बंद हो चुकी है, तो अप डाउन बड़ी यहाँ के होने की संभावना नहीं है। लेकिन अदानी पावर अभी भी स्टेज 1 में, तो वहाँ पे कोई चिंता की इतनी बात नहीं है। यहाँ पे जो दूसरी और चिंताजनक बात ये निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट ने सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल के ऊपर से जो इम्पोर्ट ड्यूटी कस्टम ड्यूटी थी वो हटा दिया, सेस हटा दिया है। तो यहाँ पे जो छूट हुआ उसकी वजह से आने वाले समय में जो सनफ्लावर ऑयल है और सोयाबीन ऑयल है उसकी प्राइस कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से इन शेयरों में दबाव बन रहा है। दबाव यूँ बन रहा है क्योंकि आने वाले समय में जैसे तेल की प्राइस तो कम हो जाएगी लेकिन इनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ेगी, क्योंकि इन्होंने जो खरीदारी की है वो ऊपर की कीमत से की है। तो जब बाज़ार में वो जो उनका जब प्रोडक्ट आएगा तो उसकी इनकी कॉस्टिंग तो ज़्यादा होगी लेकिन सामने सस्ते में बेचना पड़ेगा, तो सीधा कंपनी के मार्जिन पे दबाव आएगा। जिस तरह से पिछले दिन उन्होंने कमाई की है, इनकी कमाई का फ़ायदा ये था कि इनकी कॉस्टिंग जो थी वो कम प्राइस की थी, माल खरीदारी की, रॉ मटेरियल सस्ते में खरीदा था, उनको महंगा में बेचने को मौका मिला था। लेकिन अब इसका उलट होने वाला है, अब यहाँ पे जो प्राइस तो कम हो जाएगी लेकिन इनकी जो खरीदारी है वो ऊपर के लेवल में। तो यहाँ पे इसी वजह से थोड़ी चिंताजनक बात हो रही है और जो मार्केट एक्सपर्ट है उनका कहना है कि आने वाले समय में इसकी वजह से यहाँ पे दबाव बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे नई खरीदारी की सलाह नहीं दी जा रही है। तो जो अभी फ़िलहाल जो इन्वेस्टर है जो नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको फ़िलहाल वेट करना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए तो अभी फ़िलहाल ये सिचुएशन सही नहीं है, लेकिन जिसका भी लॉन्ग टर्म का नज़रिया उसको बने रहना है। आने वाले समय में वाकई में ये बहुत ही शानदार रिटर्न देने वाला है, लेकिन अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर ले। मुझे लगता है आने वाले समय यहाँ पे थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट हो सकती है, लेकिन कंपनी बहुत मजबूत है, आने वाले समय ये आपको बहुत ही शानदार रिटर्न देने को तैयार है। यहाँ पर अगर इनके रिवेन्यू को देखें तो सितंबर 2020 में 16,189 करोड़ का रेवेन्यू मिला था, मार्च 2021 में बहुत ही ज़बरदस्त जंप लगा था कंपनी के रेवेन्यू में जो 37,090 करोड़ तक पहुंच गया था, फिर सितंबर में रेवेन्यू में कमी आई, 24,875 करोड़ का रेवेन्यू रहा और दिसंबर में रेवेन्यू घटकर 14,379 करोड़ तक आ गया और मार्च में कुछ थोड़ी सी यहाँ पे बढ़त हुई, 40,960 करोड़ का इनको रेवेन्यू मिला। तो ये आप देखो पिछले मार्च से इस मार्च में रेवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है और इस वजह से ये समझ में आ रहा है कि इनके कारोबार में कुछ तो दबाव आया है। लेकिन जिस तरह से कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, नए नए बिजनेस टाइप कर रही है, बहुत सारी कंपनियों को एक्वायर कर रही है, जिससे लग रहा है कि आने वाले समय एक इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनने वाला है अदानी विलमा। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट करें सिर्फ लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। यहाँ पे इनके प्रॉफिट को देखें तो सितंबर 2020 में 289 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2021 में 728 करोड़ का शानदार प्रॉफिट हुआ, सितंबर में प्रॉफिट घटकर 357 करोड़ तक आ
आ गया, और दिसंबर में 211 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, मार्च 2022 में 234 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो आप ये देखो कि पिछले माह से इस मार्च में प्रॉफिट में भी काफ़ी कमी आई है। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि इनका नेटवर्थ बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ा है। पिछले सितंबर में इनका नेटवर्थ 2859 करोड़ रुपीज़ का था, मार्च में बढ़कर 3298 करोड़ तक पहुँचा, और सितंबर 2021 में इनका नेटवर्थ 3651 करोड़ रुपीज़ तक पहुँचा। तो काफ़ी मजबूत स्टॉक है। एक बार इसके फंडामेंटल भी हम चेक करेंगे तो फिलहाल इसका मार्केट कैप 90,724 करोड़ रुपीज़ का है, तो ये 1,00,000 करोड़ रुपीज़ को टच करके फिलहाल फिर से मार्केट कैप नीचे आया है। इसका पी रेशियो 105.65 है, पी बी रेशियो 11.93 है, इंडस्ट्री पी 20.92 है, डेप टू इक्विटी 0.57 है, ROE इसका 14.74% है, EPS 6.61 है, और बुक वैल्यू इसकी 28.09 है, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ की है। तो फंडामेंटल ठीक है, बस आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको बने रहना है। शॉर्ट टर्म वाले फिलहाल स्टॉक में से निकल जाए, अपना जो भी प्रॉफिट है बुक कर ले। हो सकता है कि बाजार में अभी भी दबाव की संभावना बने। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ अभी भी बना हुई है, अच्छी बात है। 99% बाय की कॉल है, 1% होल्ड की कॉल है, तो यहाँ पे 100% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पीवट लेवल को भी चेक करेंगे तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 681 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 652 तक स्टॉक जाएगा, और वहाँ तक पहुँचकर फिर 627 तक भी जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 734 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 758 तक स्टॉक जाएगा, और वहाँ तक पहुँचकर फिर 787 तक भी जा सकता है। तो पॉजिटिव माहौल बना तो ये स्टॉक आप देखो कि 800 के पास जा सकता है, लेकिन गिरावट हो तो फिर ये 600 के आसपास आ सकता है, और इसीलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अभी फिलहाल इसमें प्रॉफिट बुक करें, काफ़ी अच्छी तेजी बन चुकी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को कोई चिंता की बात नहीं, आप बने रहे, ये वाकई में स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। चलते हैं हम दूसरे हमारे स्टॉक की तरफ जो है अदाणी पावर लिमिटेड। फिलहाल स्टॉक 330 पर आ चुका है, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। स्टॉक मजबूत है और बुलिश जोन में चल रहा है। 70 रुपीज़ इसका 52 वीक का लो है, और 343 52 वीक आई है। फिलहाल स्टॉक 328 के आसपास है, यानी अपने ऊपर के लेवल की तरफ है। अगर इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 3 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, और थर्सडे को भी 3 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को भी 3 करोड़ रुपीज़ का ही वॉल्यूम हुआ। एक जैसे वॉल्यूम में काम का जो ना इस बात का सबूत है कि बहुत ही मजबूत और स्टेबल तरीके से स्टॉक आगे बढ़ा है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो MSCI की लिस्ट में शामिल किया जा रहा है अदानी पावर लिमिटेड को, तो ये ग्लोबल इंडेक्स में शामिल होने से इसकी वेटेज बढ़ेगी, और जो इंटरनेशनल बड़े फंड हाउस है वो भी निवेश करेंगे अदानी पावर में, तो आने वाले समय इसकी प्राइस और बढ़ेगी और नए इन्वेस्टर आएंगे। दूसरी तरफ जो म्यूचुअल फंड की जो इंडेक्स है, जो जिसको बोलते हैं MFI, उसकी अंदर भी इसको शामिल किया जा रहा है, लार्ज कैप लिस्ट में इसको शामिल किया जा रहा है, तो ये इसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बड़े म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एक तरह से आप देखो तो अदानी पावर में तो इन्वेस्टमेंट का मौका है। इस समय भी इन्वेस्टमेंट करें, भले ही थोड़ी सी अगर गिरावट भी होगी कोई चिंता की बात नहीं, ये स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो इनके प्रॉफिट रिवेन्यू में बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इनका रिवेन्यू अगर देखें इस बार तो बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ा, जबकि मार्च 2021 में इनका 6,374 करोड़ का रिवेन्यू था, जून 2021 में इनका 6,569 करोड़ का रिवेन्यू, और सितंबर में रिवेन्यू घटकर 5,184 करोड़ तक आ गया। दिसंबर में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, 5,361 करोड़ का रिवेन्यू, और मार्च 2022 में कंपनी ने कमाल कर दिया, इनका रिवेन्यू सीधा 10,598 करोड़ तक पहुंच गया था। बहुत ही ज़बरदस्त जंप लगाए रिवेन्यू में। बात अगर प्रॉफिट की करें तो मार्च 2021 में 13.13 करोड़ रुपीज़ का मामूली सा प्रॉफिट था, जून में प्रॉफिट बढ़कर 278 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन सितंबर में कंपनी फिर से लॉस में आई और 231 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ। दिसंबर में प्रॉफिट में आई कंपनी फिर से 218 करोड़ रुपीज़ का मामूली सा प्रॉफिट हुआ, लेकिन मार्च 2022 में कंपनी ने कमाली कर दिया, 4,645 करोड़ रुपीज़ का बम्पर प्रॉफिट मिला। ये बात एक और आपको ध्यान रखनी है कि इसमें कंपनी को एक बड़ी रकम एक मुश्त मिली है राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से, जो इनका पुराना बकाया था, तो ये एक सेटलमेंट की वजह से ये प्रॉफिट बड़ा दिख रहा है, लेकिन फिर भी ओवरऑल इसने प्रदर्शन तो बहुत अच्छा किया ही है। अब यहाँ पे इनके नेटवर्क को देखें तो मार्च 2021 में 13,113 करोड़ का इनका प्रॉफिट था, नेटवर्थ था, वो सितंबर में बढ़कर 13,390 करोड़ तक पहुंचा, और मार्च 2022 में इनका नेटवर्थ 18,703 करोड़ तक पहुंच गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी नेटवर्थ में हुई है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, और ये स्टॉक मुझे लगता है आने वाले समय में कमाल करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, इसका सीधा फायदा इनको मिलने वाला है। यहाँ पे अगर देखें तो कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 96% बाय की कॉल है, 4% सेल की कॉल है, मतलब 100 में से 96% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पीवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 318 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 309 तक स्टॉक जाएगा, और नीचे गया तो फिर 303 तक जाएगा। पॉजिटिव माहौल बना तो 333 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर लिया तो फिर 339 तक जाएगा, और आगे गया तो फिर 348 तक जा सकता है, ये तो 350 तक जा सकता है, बिल्कुल नई हाई बना सकता है। तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बाजार सेंटीमेंट अभी भी बिगड़े हुए, क्योंकि FI लगातार बिकवाल बने हुए, तो हो सकता है बाजार में गिरावट हो, तो ऐसे में स्टॉक थोड़ा नीचे आ सकता है। तो अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो कम से कम आपका जो भी पोर्टफोलियो उसमें 50% शेयर आप
अदानी पावर के बेच सकते हैं, लेकिन कम से कम 50% तो रखें, क्योंकि मुझे लगता है स्टॉक ऊपर की तरफ जाने को तैयार है। बुलिश जोन में स्टॉक दिख रहा है और आने वाले समय स्टॉक कमाल करेगा। 2 से 3 साल के लिए अगर इसको आप होल्ड करोगे तो 1000 को आराम से टच कर जाएगा, तो स्टॉक में निवेश करें। और अदानी विलमार तो बहुत ही मजबूत स्टॉक है, आने वाले समय में कमाल करेगा। फिलहाल भले ही थोड़ा सा दबाव दिखे, आने वाले समय ये स्टॉक रॉकेट की गति से दौड़ेगा। तो दोनों स्टॉक में निवेश बनाए रखें लॉन्ग टर्म के लिए, ये दोनों स्टॉक आपको मालामाल कर देंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।